सीहोर के ग्राम जरखेड़ा में आयोजित शिव महापुराण कथा एवं रुद्राक्ष महोत्सव कार्यक्रम के सातवें दिन प्रख्यात कथावाचक पंडित मोहित राम जी पाठक ने हजारों श्रद्धालुओं को व्यासपीठ से संबोधित करते हुए बताया कि गरीब कन्याओं का विवाह करना सबसे बड़ा पुण्य का काम है और असहाय लाचार मजबूर लोगों की किसी भी तरह से सहायता करने से ईश्वर सबसे ज्यादा प्रसन्न होते हैं। पंडित पाठक ने कहा कि व्यक्ति को अपने धर्म पर चलते हुए कर्म करते रहना चाहिए, ईश्वर सबकी मदद करते हैं। धैर्य और शांति हमारे आभूषण हैं जिन्हें धारण हर व्यक्ति को करना चाहिए। ग्राम झरखेड़ा में शिव महापुराण एवं रुद्राक्ष महोत्सव का आज समापन दिवस पर पूर्णाहुति के साथ ही कथावाचक पंडित पाठक जी ने सभी श्रद्धालुओं को रुद्राक्ष धारण करने की सलाह देते हुए अभिमंत्रित रुद्राक्ष वितरण किए। सीहोर से कवि छोकर की रिपोर्ट।